चलिए, तो आज हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, पिछले क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। 3-4-5 क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ में जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ रहेगा, तो गॉस लॉ का आज हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देंगे और अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। थ्री इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। कैलकुलेट वर्क डन required to decrease the side of triangle to a by 2, ठीक है? ट्रायंगल एक दिया हुआ है, ए बी सी, क्यू चार्ज है यहाँ पे भी, क्यू चार्ज यहाँ और क्यू चार्ज यहाँ, ठीक है? साइड इसका है ए, ठीक है? चलिए, तो इसमें हमको क्या करने का है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है? साइड ए का इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर होता है। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल टू ए बाई 2, अभी ए है ना साइड ट्रायंगल का, बाद में क्या हो जाता है ए बाई 2, तब के लिए हमको कैसे निकालना होगा वर्क डन, उसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालते हैं, ठीक है? इसका होगा चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू ए बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू बी सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू सी, यही ना होगा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी यू ए बी क्या होगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय साइड कितना है ए है ना, तो ए हो जाएगा ए बी लेंथ,
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ इसमें वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी कारण से इसको सिंपल तरीका से ऐड कर सकते हैं इस तरह से मैथमेटिकली एकदम। तो इस तरह से वो ऐड करते चल रहे हैं, यू ए बी निकाल लिया। इसी तरह से ए साइड यहाँ इसका लेंथ है, अब दोनों का क्यू क्यू चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर बाई ए, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन तो होता ही है ये फॉर्मूला से। यू बी सी जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई ए, ये भी हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, इट इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलिए अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाँ जी, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये पहला का आंसर निकल गया। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू ए बाई टू। अब क्या करते हैं, जब साइड जब ए बाई टू होगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए बाई टू, ठीक है। ये पहला का था और ये दूसरा का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका, ऐसा तो सब चीज सेम है, ए के जगह पे हम सिर्फ क्या कर देंगे, ए बाई टू कर देंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बाई टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जब साइड ए बाई टू रहेगा। तो जो वर्क डन निकालना है सेकंड वाले में, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये वाला है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल का वैल्यू कितना हो गया, 6 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आ रहा है बात समझ में? तो ये तो आपका हो गया रिक्वायर्ड वर्क डन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसको देखिए और बताइए, कोई डाउट हो तब खोजिए इसमें, एक मिनट इसको देख लीजिए इसको खाली बोर्ड पर। अब इसमें वो फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे अब इसको। अब देखिए इसमें करने का क्या है कि 3 इक्वल चार्ज दिया हुआ है आपको कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे ट्रायंगल के सिस्टम का निकालने का है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों का तीनों को जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और वही यू ए बी यू बी सी यू सी ए किए हैं, और यू ए बी तो आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू वन इंटू क्यू टू क्या होता है, ए होता है ना, तो ये क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया आपका, उससे से तीनों हो गया, तो तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इट इज़ द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू ए बाई टू। जब a बाई टू जब हमको करना है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी पहले कर दीजिए कि a बाई टू पे क्या होगा, तो बस a के जगह पे इसमें a बाई टू कर दीजिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन तो होगा ना, तो ये वर्क डन निकल गया, ये वर्क डन निकाल दिए यू एफ माइनस यू आई, तो यही आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको मिटाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन देंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
फोर आइडेंटिकल चार्ज चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड साइड ए. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस. ठीक है, चलिए इसका फिगर उतार ले जाए. क्यू 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 ए बी सी डी ए ए ए ए. ठीक है, समझ में आ रहा है बात. तो हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के कारण, तीनों चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसको सोचिए कि कैसे ये बनेगा, क्या आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए इसमें. देखिए, एक चार्ज पे तीनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा उसको निकालना है. तो चलिए मान लीजिए कि इस चार्ज पे निकालते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं. तो इस चार्ज पे निकालते हैं, तो इस चार्ज पे इसके इसके और इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा उसको निकालने का है. तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट ए ड्यू टू all other charge is U is equal to U on A due to B, U on A due to D, U on A due to C. A पे B के कारण, C के कारण और D के कारण, यही ना है. अच्छा, यू ए बी और यू ए डी तो दोनों सेम हो जाएगा ना, क्या कि दोनों का दूरी सेम और दोनों का चार्ज भी क्यू क्यू रखा हुआ है. तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ए हो जाएगा. इसका भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए. अच्छा, इसका क्या होगा, इस दोनों का क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इन टू ये दूरी कितना होगा, रूट टू ए होता है, ए और ए है तो रूट टू ए, तो रूट टू ए यही ना होगा. तो क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन आ रहा है, तो ये वन प्लस वन बाई रूट टू, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, टू और रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा, टू रूट टू प्लस वन बाई रूट टू. आ रहा है बात समझ में, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लिखेंगे. द पोटेंशियल एनर्जी एट any point is given by V is equal to x
y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। कैलकुलेट द कार्टेशियन कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, देखिएगा इसमें द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवेन बाय वी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा पॉज करके, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। तो ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डो वी बाई डो एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डो बाई डो एक्स, और ये x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर डो एक्स बाई डो एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 4 डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्यूब, ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो गया ना, एक्स क्यूब बाई डी एक्स ऐसा होगा, देखिएगा अच्छा से, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ई एक्स का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका ई एक्स का वैल्यू, अब क्या करते हैं ई वाई का वैल्यू निकालते हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना, तो ई एक्स हम निकाल लिए, उसी तरह से ई वाई निकालेंगे और ई जेड निकालेंगे, यही कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ई वाई हम निकालने का है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डो वी बाय डो वाई माइनस डो बाय डो वाई और एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद x यहाँ बाहर आ जाएगा डो बाय डो वाई, इधर वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा डी एक्स क्यूब बाई डी वाई, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, भाई इसका देख सकते हैं माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 2y, और माइनस एक्स पर वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 2xy ई वाई का वैल्यू। ठीक है, और ई जेड का जब वैल्यू करेंगे माइनस डो वी बाई डो जेड, तो माइनस डो बाई डो जेड, और वी का वैल्यू कितना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो इसमें कोई भी चीज़ जेड में नहीं है, तो ये पूरा चीज़ 0, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ई वाई इज इक्वल टू माइनस 2xy, और ई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड
डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एज भी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पहला हो गया। अब दूसरा का भी इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में आपको निकालने का है। पोटेंशियल ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो पोटेंशियल एक्स और वाई पे आपका डिपेंड कर रहा है, तो वही चीज़ करना है हमको। देखिए पहले ई एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस डो ही बाई डो एक्स, माइनस डो बाई डो एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये a बाहर आ गया, डो बाय डो एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ गया है ना, तब माइनस डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स ऐसा हो जाएगा। माइनस a, और इसका क्या हो जाएगा 2x, और y का x से क्या होगा जीरो, तो ये 2x हो जाएगा माइनस टू ए एक्स। ये ई एक्स का वैल्यू हो गया। ई वाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डो भी बाई डो वाई, माइनस डो बाई डो वाई, और भी का वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, ए बाहर निकल गया डो बाई डो वाई, और इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, माइनस ए इंटू माइनस टू वाई, टू ए वाई, तो ई वाई का वैल्यू आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगा ये देखिए ई वाई हो गया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ई एक्स प्लस ई वाई, और ई एक्स कितना है माइनस टू ए एक्स, ठीक है। वेक्टर आई प्लस टू ए वाई वेक्टर जे, समझ में आ रहा है। ये x डायरेक्शन वाला है तो i कर दिए, y डायरेक्शन वाला है तो j कर दिए, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, इसका ई एक्स निकालते हैं तो माइनस डो ही बाई डो एक्स, माइनस डो ए एक्स वाई बाई डो एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस ए वाई। ई वाई इज इक्वल टू माइनस डो भी बाई, माइनस डो ही बाई डो वाई, ठीक है। तो माइनस डो ए एक्स वाई बाई डो वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस ए वाई वेक्टर आई माइनस ए एक्स वेक्टर जे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आ गया वेक्टर के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ गया वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ के बारे में हम लोग अब कुछ डिस्कशन करेंगे, इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है। गॉस लॉ हम लोग लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग इसमें, इन गॉस लॉ वी विल लर्न द रिलेशनशिप ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या है,
हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में। चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में एक रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को जब हम लोग लिखेंगे तो वो एक गॉस लॉ है, वो एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है मैथमेटिकल, और उसको हम लोग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, गॉस लॉ समझने से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज़ समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो समझने का चीज़ है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गॉस लॉ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स विच इज यूज्ड इन गॉस लॉ, ठीक है। कुछ कुछ टर्म जो कि गॉस लॉ में यूज है उसको हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं इसमें एरिया वेक्टर में। एरिया वेक्टर इज द वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द गिवन एरिया एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिस सरफेस का हम एरिया वेक्टर निकालेंगे वो सरफेस का एरिया उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। जैसे एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, ये सरफेस का वैल्यू कितना है, डेल्टा एस, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। तो ये जो एरिया, ये जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, डेल्टा एस के बराबर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये चीज समझ गया एरिया वेक्टर में, सिंपली कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं कुछ कुछ पॉइंट एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव विच कैन बी चोजन आर्बिट्रेरली। अपनी, ठीक है, मतलब अपने मन से आर्बिट्रेरली, मतलब चुनने का मतलब कोई भी हम साइड को चुन सकते हैं कि ये पॉजिटिव एरिया वेक्टर है और ये नेगेटिव एरिया वेक्टर है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ये हो गया वेक्टर ए, तो इसको हमको लोग क्या लेना पड़ेगा, माइनस वेक्टर। समझ में आ रहा है बात, हम किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको नेगेटिव मान सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव नॉर्मल टू द एरिया, ये नेगेटिव नॉर्मल टू द एरिया। आ रहा है बात समझ में कि क्या हम कह रहे हैं, कि हम लोग पॉजिटिव नॉर्मल ले सकते हैं और नेगेटिव नॉर्मल ले सकते हैं। एक पॉजिटिव एरिया वेक्टर हो सकता है और एक नेगेटिव एरिया वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए इस पर एक दो लाइन और है, इस पर हम लोग लिखेंगे अभी। एरिया वेक्टर समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा। इफ द, एक और पॉइंट, इफ द, ये पहला दूसरा तीसरा, एरिया इज नॉट प्लेन, एरिया जब प्लेन नहीं हो, कर्व हो, रफ हो, इफ एरिया इज नॉट प्लेन देन वी विल ब्रेक दैट टोटल एरिया इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा में उसको बदल देंगे या मान लेंगे ऐसा कि छोटा टुकड़ा है ये। देन ऑल स्मॉलर एरिया विल हैव डिफरेंट एरिया वेक्टर। तो सबका अलग अलग एरिया वेक्टर हम लोग ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये वाला छोटा वाला पार्ट है, इसका एरिया वेक्टर अपना अलग होगा। ये छोटा वाला पार्ट है, इसका एरिया वेक्टर अपना अलग होगा। तो एरिया वेक्टर देख रहे हैं, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो एरिया वेक्टर सबका अलग अलग आता जा रहा है, ये एरिया वेक्टर अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट का एरिया वेक्टर बना लिए फिर। ठीक है, यदि सब पूरा का पूरा सरफेस सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, तब ठीक है। इस समय तो प्लेन था, तो इसका एक एरिया वेक्टर लेंगे तो काम चल जाएगा, पूरा डेल्टा एस का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर का, डेल्टा एस वन। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा डेल्टा एस टू। समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, तो एरिया वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग में हम लोग बदल देंगे और तब हम एरिया वेक्टर अलग अलग सबका निकाल लेंगे, तो वो भी एरिया वेक्टर ही होगा। ठीक है, यदि पूरा का पूरा सरफेस एक प्लेन सरफेस नहीं है तब, और यदि पूरा सरफेस प्लेन सरफेस रहे तो एक एरिया वेक्टर से काम चल जाएगा। एरिया वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पे आते हैं। अब आ रहा है टॉपिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू ए सरफेस इट फॉर्म्स फ्लक्स। क्या करेगा वो, फ्लक्स बनाएगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा फाई, वेयर डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वेयर वेक्टर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस
एंड डेल्टा एस वेक्टर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऑफ, एरिया उसका क्या होगा, डेल्टा एस। समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए ये फ्लक्स हम लोग को समझ में आ रहा है, फ्लक्स में क्या है, डॉट है, तो हम लोग लिखते हैं सिंस फ्लक्स टा फाई इज डॉट प्रोडक्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगा फ्लक्स में, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। नाउ फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस। तो जैसे देखिए फ्लक्स हमको समझना है तो इसके नीचे हम बनाते हैं, हम बगल में बनाते हैं। तो जैसे देखिए ये सरफेस है एक ठो, ठीक है, और ये सरफेस में ये क्या कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है डेल्टा एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ये जो फ्लक्स हो जाएगा यहां से इस सरफेस से, इसका एरिया पूरा कितना है, डेल्टा एस है। तो ये जो पूरा फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात, ये हो गया आपका फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा, ये एरिया वेक्टर की जगह पे यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, पॉजिटिव एरिया वेक्टर, पॉजिटिव एरिया वेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव एरिया वेक्टर होगा इसीलिए प्लस में लिए हैं, नेगेटिव होगा तो माइनस में लेंगे फ्लक्स को। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि किसी भी सरफेस को, एरिया वेक्टर को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, किसी भी साइड को पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं। हम मान लिए कि अभी ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव के साथ जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला एंगल ले रहे हैं, ये नहीं कि नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो वो थीटा वाला एंगल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब मान लीजिए केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ऑन सेम साइड देन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, देन फ्लक्स डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस जीरो, यानी कि ई डेल्टा एस। केस टू में दे लेते हैं हम लोग, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस इज ऑन अपोजिट साइड देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए डेल्टा एस नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, देन फ्लक्स ई डेल्टा एस कॉस 180 यानी कि माइनस ई डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा लास्ट एक केस ले लेते हैं, केस थ्री, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन फ्लक्स डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90 यानी कि जीरो। तो इससे समझ में आ रहा है क्या कि ये वाला जो पहला वाला केस था, ये पहला केस, इसका फिगर यदि समझा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। इस केस में जब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर तो इधर होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और इस केस में एरिया वेक्टर तो इधर होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या हो गया था, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या हो गया था, 90 डिग्री। तो इसमें फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया था, माइनस ई डेल्टा एस। इसमें फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया था, ई डेल्टा एस, ठीक है, और इसमें फ्लक्स का वैल्यू जीरो। चलिए इस फिगर के साथ पूरा उतारिए इसको। अब इसमें है टू फाइंड फ्लक्स व्हेन द सरफेस इज नॉट प्लेन और सरफेस इज नॉट स्मूथ, स्मूथ ना हो या फिर प्लेन ना हो। तो उस केस में मान लीजिए प्लेन ना हो तो ऐसा सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस, ये क्या हो गया, नॉट प्लेन सरफेस। और रफ सरफेस है जैसे मान लीजिए कि सरफेस है लेकिन ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है पूरा, तो ये क्या हो गया, रफ सरफेस, नॉट स्मूथ सरफेस, नॉट प्लेन सरफेस। इन बोथ केसेस वी विल टेक स्मॉल एरिया एंड फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस। After that, we will find individual, अलग अलग individual flux of each surface and will add which will give total flux through that surface, ठीक है। total flux निकल जाएगा उस surface से, ठीक है। हम लोग को छोटा छोटा surface को क्या करना है, उसका area वेक्टर निकाल निकाल के अलग अलग सबसे flux निकाल लेना है और फिर सब flux को क्या करना है, जोड़ देना है, तो total flux उससे निकल जाएगा। चलिए इसको मिटाएंगे, फिर दूसरा चीज लिखना है इसमें। समटाइम्स द फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस कैन बी फाइंड इफ इंटीग्रेशन इज डन अंडर प्रॉपर लिमिट।
इसीलिए फ्लक्स जो निकालते हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, वेक्टर E इंटू डेल्टा S वेक्टर, वेयर इंटीग्रेशन विल बी गिवन टू द लिमिट अंडर विच होल सरफेस विल बी कवर्ड, ठीक है, ठीक है, होल सरफेस विल बी कवर्ड। और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल सरफेस फ्लक्स, हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं, समटाइम्स फ्लक्स इफ टू फाइंड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस एज लाइक स्फेयर और क्यूब देन इंटीग्रेशन विल बी डन विथ साइन ऑफ सर्किल इन द इंटीग्रेशन। यानी कि जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर जो निकालेंगे उसमें ये साइन दे देंगे। दिस रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है।